अरे चलो नहीं है तुम्हारा, नहीं आया तुम्हारा। अरे भाई साहब, हेलो 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 बोलो नाम बोलो भाई। और अब्दुल साबिर, अब्दुल साबिर बाकी पूरे बोल दो, बाकी यहाँ से लोग खड़े हैं। शेख अशिफुद्दीन, अशिफुद्दीन है क्या? मैं नाम बोल रहा हूँ, उसके अलावा कोई खड़ा नहीं मिलेगा मुझे। यानी छह नाम पहले बुलवा दो एक बार। शेख अशिफुद्दीन है, लतीफ है, जियाउल, अब्दुल साबिर और लड़ेगा कोई? बस बाकी डरे क्या भाई, बताओ इनको, डबल कर इनको। हाँ हाँ तो खड़े हैं आप लोग, क्यों खड़े? सर मैं क्यों नहीं है, बैठे अपने। अरे भाई मैं थोड़ी देर क्यों बेस कर रहा फालतू, पता नहीं क्या जिसके नाम है वही। अमाने मशीन तो ध्यान दे भाई, ये ध्यान दे, जिसका नाम बोले वो ये फाल को नहीं खड़ा रहेगा भाई। बीपीएल वालों की नहीं है, बीपीएल वालों की नहीं है। ये सब यहाँ के बाकी लोग अड्डो भैया, बाकी लोग सोशल गुलाम सुनना, तीनों ने बोला फटाफट। अगर कोई बीपीएल आ रहा है आप लोग क्यों खड़े? फालतू आदमी मुझे खड़ा नहीं मिलना चाहिए, देख लेना। घर जाइए अपने, घर जाइए। फालतू कोई खड़ा नहीं रहेगा, जिसका नाम बोला जाएगा वो अपने जीत ले जाए। ध्यान दें, जिस आदमी का नाम बोला जा रहा है वो अपना किट ले दे। अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं करनी है, खड़े नहीं होने हैं। अनावश्यक रूप से कोई खड़ा नहीं रहेगा, जो वर्कर है वो खड़े रहे या जिसको किट के लिए नाम बोला जा रहा है वो खड़े रहे। हाँ जी
मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ऐसे लोग जो गरीब ऐसा है मजदूर जो जो जिनका बीपीएल और 2 रुपए किलो राशन कार्ड से गेहूँ नहीं मिलता है उनके लिए राशन की सामग्री वितरित की जा रही है। रमजान अली कछवा वार्ड पार्षद देवलोक अध्यक्ष कांग्रेस। नहीं, कहाँ कहाँ वितरित की गई अब तक और कहाँ कहाँ वितरित की जा रही है? जेल रोड जेल वार्ड के अंदर जेल रोड वितरित की जा चुकी है और 20 गली के अंदर वितरित की जा चुकी है और जो भी गवर्नमेंट के जो VLO है जो सूची बना के लाए थे उनके निर्देशों के अनुसार ये बांटी जाए। तो आपके पास सूची है अभी जो जिनको बांटोगे उनकी सूची आपके पास? जो हमारे पास जो सूची DSO से आई है। अच्छा, उनके अंतर्गत उनके उन्हीं परिवारों को दिया जाए, उन्हीं परिवार को दिएगा। अगर कोई छूट भी जाएगा तो वापस उन कोई रह गया है तो वो नाम लिखाए अपने VLO को, VLO दोबारा फिर सर्वे करेंगे। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार भी संवेदनशील होकर जो APL वाले मजदूर वर्ग है बाकी रह जाते हैं तो उनका सर्वे भी चल रहा है उसमें नाम लिखा के उनको भी दी जाएगी आगामी दिनों में। आपके इलाके में कितने लोगों को मिल चुका है या कितने लोग? अभी आज ही कर्फ्यू लगा हुआ था। हाँ। इसके बावजूद क्योंकि लोगों को जरूरत है तो घर घर जाके सरकारी कर्मचारी और पार्षद के मार्फत ये चीज दी जा रही है।